दोस्तों नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हमने जीआईसी मेंस के लिए नया बैच स्टार्ट किया है फार्माकेटिक सब्जेक्ट के लिए। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जीआईसी मेंस नहीं बल्कि आश्रम पद्धति का भी आप साथ ही में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आश्रम पद्धति और जीआईसी मेंस दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। हालांकि आश्रम पद्धति का अभी रिजल्ट नहीं आया है प्री का, और संभवतः इसी सप्ताह में आने की उम्मीद है। और एग्जाम भी आपका जिस तरीके से जीआईसी मेंस का फरवरी में संभावित है, उसी तरीके से कि एक सप्ताह या दो सप्ताह आगे पीछे आपका आश्रम पद्धति का भी एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। हमने इसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में लगभग दो लेक्चर हो चुके, आज हम लोग तीसरे लेक्चर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जेड ऑफ इंटीजर forms an infinite abelian group. Infinite abelian group with respect to ऑपरेशन ऑफ एडिशन, दैट इज जेड प्लस इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ग्रुप स्टार्ट में मैंने जीपी लिख दिया है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका सेट है पूरा पूरा सेट ऑफ इंटीजर है, और इसमें जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वी हैव 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोई दो चार एलिमेंट नहीं है जो कि हम लोग पर्टिकुलर चेक कर सके उसको लेकर के, भाई जो आपका ग्रुप का प्रॉपर्टी हमने क्या बताया ग्रुप के, हालांकि यहाँ पे हमें अबेलियन दिखाना है। यहाँ पे अबेलियन ग्रुप की पांच प्रॉपर्टी थी, ठीक है। पहला क्या था, ऑपरेशन को जो है बाइंडिंग होना था, एसोसिएटिव होना था, उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इनवर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, और कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये पांचों प्रॉपर्टी कोई स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा है, हम उसको क्या बोलते थे, अबेलियन ग्रुप बोलते थे, ठीक है। वन बाय वन यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है फॉर बाइंडिंग ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसा कि हमने बताया कि सेट ऑफ इंटीजर है पूरे जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इन जनरल बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, that is a plus b belongs to the set of integers for all a b belongs to the given set, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या भाई, हम लोग बाइंडिंग ऑपरेशन किस तरीके से प्रूव करते थे, जो भी सेट गिवन है, सपोज करो यहां पे सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, हम लोग एक मैप डिफाइन करते थे z क्रॉस z टू z में, और ऑपरेशन यहां पे क्या है, प्लस है, ठीक है। इस z क्रॉस z का एलिमेंट लेंगे और इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट पे, और आपको मालूम है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे, और उस एलिमेंट हम लोग जब ये ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्ट आएगा ऐड करने पे, वो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट होना चाहिए। अब इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट का सम लीजिए तो हमेशा क्या होगा, उसी सेट में तो बिलोंग करेगा। आप चाहे जो ले लो, चाहे नेगेटिव वाले ले लो, चाहे पॉजिटिव वाले लो, सपोज करो 1 2 लिया, 1 2 का सम क्या होगा, 3 हो गया, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। माइनस 1 माइनस 2 लिया, इसका सम करेंगे तो माइनस 3 आए, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। यानी वही चीज हमने लिख दिया, सिंस द सम ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर, दैट इज या a + b = टू, या a + b बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, यही तो बाइंडिंग ऑपरेशन की डेफिनेशन थी, ठीक है। यानी जो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे, एसोसिएटिव की, सेकंड प्रॉपर्टी आप डाल लीजिए associative,
आपको मालूम है, we know that addition of integer satisfy the associative property. Hence, a plus b plus c equals to a plus b plus c. ठीक है? For all a, b, c belongs to the set of integers. देखिए यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा लिखना मैटर करता है, आप चीजों को कैसे लिखना है ये सीखना है, और सब छोटी छोटी चीजें ये सब आपको मालूम है. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की. थर्ड प्रॉपर्टी क्या था आपका जो है ग्रुप थ्योरी का, वो आपका था जो है इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. अब आपको देखना है कि इसका जो है आइडेंटिटी क्या होगी इस सेट का इस दिए हुए ऑपरेशन में. आपको मालूम है ऑपरेशन यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है. तो जो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो गिवन ऑपरेशन है ना उसके रिस्पेक्ट, यानी ऑपरेशन क्या प्लस है तो नहीं, प्लस करने पर वही एलिमेंट आ जाए. और भी इसी बात है, जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, चाहे जो भी इस सेट का एलिमेंट उठाइए उसके साथ आप प्लस करेंगे हमेशा वही एलिमेंट आ जाए. यहाँ पे जो जीरो है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स द इंटीजर जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है, यहां पे जीरो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स आप ये भी लिख सकते हो, हेंस ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए या जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट. ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी. चौथी प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्ट इसका जो है इनवर्स भी एग्जिस्टेंस करना चाहिए, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, फॉर ईच नीचे लिख रहा है, चलो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट ए, अब यहाँ पे प्लस माइनस ए इक्वल टू आइडेंटिटी. आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है. ठीक है, आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, जीरो है. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो. ठीक, तो देखिए जो इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता था, सपोज करो कोई एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स जो है बी है, तो इस बी को हम लोग ऑपरेट कराए जो भी गिवन ऑपरेशन हो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी प्लस ए करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए. यही तो डेफिनेशन थी इनवर्स की, वही चीज हमने लिखा है. अब आपको पता चल गया इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो है. तो अब ए, अब इस सेट का कोई भी एलिमेंट हमने इंजन ने ले लिया, जैसा कि हमने बताया सेट पूरा क्या इनफाइनाइट सेट है ना, तो कितने एलिमेंट को आप लेके चेक करें, इसीलिए हमने इंजनल ए एलिमेंट नाम ले लिया. ठीक है, इसीलिए हमने लिखा फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर देयर एग्जिस्ट माइनस ए. इट मीन सपोज इस तरीके से लिखो कि भाई सपोज करो वन है, इसका हमें इनवर्स लिखना है. ठीक है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो ऑब्वियस सी बात इसके साथ माइनस लगा, यानी माइनस वन क्या इसका इनवर्स, टू का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा. इस तरीके से सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का जो है आप इनवर्स निकाल सकते हैं. क्या करना होगा, बस उस एलिमेंट जो भी एलिमेंट का लिखना है इनवर्स उसके साथ क्या लगा दो, माइनस लगा दो, आपको इस सेट के सभी एलिमेंट का जो है इनवर्स मिल जाएगा. ठीक है, ये तो रहा चौथी प्रॉपर्टी. अभी हमें दिखाना है इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है. ठीक है, अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए जो है पांच प्रॉपर्टी को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा. जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या होना पड़ेगा, ऑपरेशन को कमटेटिव होना पड़ेगा. ठीक है, तो जो आखिरी प्रॉपर्टी है ऊपर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कमटेटिव. लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कमटेटिव या कमटेटिविटी. We know that addition of integer. We know that addition of integer is commutative. Is commutative. Hence, आप क्या लिख सकते हो भाई, यानी a plus b equals to b plus a for all a b belongs to the set of integer. ठीक है. Thus.
thus z plus is an infinite abelian. Infinite abelian. ठीक है भाई, बस ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड पे है आपके सामने, कह रहा है कि चेक दैट द सेट ऑफ इंटीजर z डिफाइंड इन ऑपरेशन O सच दैट x ऑपरेशन y इक्वल्स टू x प्लस y प्लस x इनटू y इज ग्रुप आर नॉट। ठीक है, यानी जो यहां पे डिफाइन है जिस तरीके से प्रॉब्लम में, और ये ऑपरेशन एक्चुअली जो है कह रहा है ग्रुप होगा कि नहीं। ठीक, तो वही ग्रुप होने या ना होने की बात हम तभी करें जब जो ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है सारे हम चेक करें, सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो होगा, नहीं होल्ड करेगा तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम चेक करें कहां से, फार बाइंडी ऑपरेशन। फार बाइंडी ऑपरेशन बाइंडी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं आपको हमने बता दिया। यहां पे सेट क्या दिया, सेट ऑफ इंटीजर दिया। हम इस सेट के कोई दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x और y बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब हमें दिखाना है कि जो यहां पे रिलेशन है जो डिफाइन है वो भी क्या होना चाहिए, z में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो बाइंडी होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, यदि दो एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर के हैं तो उसका जो सम होगा वो भी कहां बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में करेगा। एंड आल्सो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कहां बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में करेगा। फिर अब यहां से जो y वो भी इंटीजर होगा, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट किए वो भी इंटीजर होगा, हम इन दोनों का सम कर दें तो भी इंटीजर ही होगा। ठीक, यहां से क्या निकल गया, इट मींस x ऑपरेशन y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यही तो डेफिनेशन होता है बाइंडी ऑपरेशन का। ठीक है, जो x ऑपरेशन y है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इट मींस फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, हेंस ऑपरेशन इज बाइंडी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है ये आपका जो ऑपरेशन है वो फिलफिल कर रहा है। ठीक, अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, फॉर एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड इक्वल्स टू एक्स ऑपरेशन x ऑपरेशन y ऑपरेशन z। ठीक है, यदि हम ये चीज प्रूफ कर पाए तो हम कहेंगे ये ऑपरेशन आपका जो है एसोसिएटिव भी होगा। करते हैं स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS आपका क्या है, x ऑपरेशन y ऑपरेशन z। सबसे पहले x ऑपरेशन y की जो डेफिनेशन है उसको हम यूज करते हैं, क्या है डिफाइंड बाय x plus y plus s into y। ठीक, ऑपरेशन z है वो लगा दे रहे हैं। अब यही जिस तरीके से यहाँ पे डिफाइन है ऑपरेशन वही हम लोग यूज करेंगे, इसको एज आप एक समझो, इसको एज ए वाई, तो दिस यानी एक्स प्लस वाई, दिस प्लस दिस, तो क्या ले जाएगा अल्टीमेटली यहाँ से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड। ठीक, फिर क्या है प्लस है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई दिस इंटू दिस, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू जेड, यही तो मतलब हुआ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए और क्या मिलेगा यहां से, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई, उसको जेड का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या मिलेगा एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अभी जो राइट हैंड साइड है उसको भी लाना है, प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड क्या भाई, एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड। अब यहां पे इसके लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, वाई ऑपरेशन जेड के लिए, एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड, इट मींस वाई प्लस जेड दोनों का सम प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, यानी वाई प्लस जेड, यहां पे आपको देखना है इसी से हम लोग लिख रहे हैं, प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड x ट्रीट करिए, जो इसको ऐड y, फिर इन दोनों का सम करेंगे, यानी x plus y plus z plus y z
फिर दोनों को मल्टीप्लाई यानी प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई जी, ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड, इसको आप चाहे फर्स्ट बोल दीजिए इक्वेशन, इसको सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड इक्वल टू एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। इट मींस यहां से आप ये देख पा रहे हैं जो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर रहा है, ऑपरेशन सिंपलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो इट मींस जो ये दोनों प्रॉपर्टी जो ग्रुप की होती है ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, सिंपलीफाई कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे हेंस या देयरफॉर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। इसके बाद ये ठीक, ये आपका हमने जो है सेकेंड पार्ट कर दिया, अभी थर्ड पार्ट में आते हैं, इसकी आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, आप थर्ड आपको प्रॉपर्टी है पर आइडेंटिटी, ठीक, मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी, देन तो अब यहां पे देखा जाए कि सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, तो x ऑपरेशन e ले ले रहे हैं, किसके इक्वल होगा, जब आइडेंटिटी को उसी एलिमेंट पर ऑपरेट कराते हैं तो उसी एलिमेंट की इक्वलिटी x आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए x ऑपरेशन क्या डिफाइन है, x plus y plus x into y, ठीक है, यहां पे वही डेफिनेशन यूज करते हैं, यहां फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर इट मींस x plus e plus x into e equals to x, यहां से हम लोग e काम x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, e काम कर लेंगे तो 1 plus x x equals to 0 आ जाएगा, ठीक है, यहां से देखा जाए e equals to क्या हो जाएगा 0, 1 plus x not equals to 0 होगा, ठीक है, यहां पे आपको आइडेंटिटी तो मिल गई, इसकी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इनवर्स की, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका फॉर इनवर्स की बात कर लेते, लेट x belongs to the set of integer and x1 be the inverse of x, ठीक है, हम यहां पे ये मान लिए x को एलिमेंट है और x1 मान लेते हैं इस x का क्या है इनवर्स है, जब x1 x का इनवर्स होगा उस केस में यानी क्या होगा, यानी x ऑपरेशन x1 इक्वल टू किसके इक्वल होना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहां पे क्या है 0, x ऑपरेशन x1 क्या होगा, इस डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं यानी x plus x1 plus x into x1 equals to 0, हमें चाहिए क्या, x1 को हमने माना है x का इनवर्स है, x1 की वैल्यू चाहिए, आप x1 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, ठीक है, x1 की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा, यानी x1 यहां से कॉमन ले लेंगे आप तो हो जाएगा 1 plus x equals to minus x, ठीक है, this implies that x1 equals to minus x upon 1 plus x। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो टर्म्स आपका आ रहा है क्या ये भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर जाए, तो बात बन जाएगी, यही तो मतलब हुआ, लेकिन अब आपको यहां थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या x की सभी वैल्यू के लिए ये x1 सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट होगा कि नहीं। यदि आप यहां पे देखें तो अपान में जैसे 1 plus x, यदि x की वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस 1 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है माइनस 1, क्यों नहीं, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर है ना पूरा पूरा माइनस 1 उसके अंतर्गत तो आते ही है, जैसे ही आप यहां पे x = minus 1 करेंगे ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहीं पे फेल कर, इट मींस दिस डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, यानी यहां पे आपने देखा कि चारों प्रॉपर्टी जो है तीन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था ऑपरेशन, क्या क्या, बाइंडिंग भी हो रहा है, एसोसिएटिव भी हो रहा है, आइडेंटिटी भी, जिसका लेकिन
इनवर्स यहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस मींस आप लिखेंगे दिस सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट अ ग्रुप ओवर दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक, ये इसका जो है कंप्लीट जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन एज ए थ्योरम है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो इसका हमें प्रूफ देना है, सिंपल प्रूफ है। कह रहा कि इफ जी ओ, जैसा कि हमने बताया जी कोई सेट हो सकता है, वो कोई ऑपरेशन है, इज ए ग्रुप, यहाँ पे गिवन है कि ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर जो है ग्रुप है। देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक एंड फॉर ए बिलोंग्स टू जी हैज यूनिक इनवर्स इन जी। यानी कहने का मतलब है किसी भी ग्रुप है ना, जो ग्रुप है तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगा, यूनिक होगा, और उसका इनवर्स भी क्या होगा, यूनिक होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में, टीजीटी पीजीटी में आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, तो किसी भी चीज को यूनिक प्रूफ करना एक सिंपल सा फंडा है। अब यूनिक आप एक जगह नहीं, ना जाने कितनी जगह रियल एनालिसिस में जिसे आता नहीं कि भाई प्रूव द कन्वर्जेंस ऑफ सिक्वेंस इज यूनिक। तो आप मानते थे कि लेट L1 L2 बी द टू लिमिट ऑफ द गिवन सिक्वेंस AN। ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से प्रूफ दिखा करते थे कि वो दोनों L1 L2 अलग ना होकर के बल्कि सेम है। ठीक है, यही तरीका है, ये सिंपल सा कॉमन सा फंडा है किसी भी चीज की यूनिकनेस प्रूफ करने का, है ना। तो वही तरीका था, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ये मान लेंगे पहले प्रूफ फर्स्ट पार्ट का करते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि इस ग्रुप का दो आइडेंटिटी है। यहाँ पे कह रहा है कि जो है यूनिक होगी, तो हम लोग इसका कंट्रावर्सी लेंगे, यानी ये लेके चलेंगे इस जो ग्रुप है इसकी दो आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, सपोज दैट। ठीक है, और फिर दिखाएंगे ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। जिसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आप अपने पिता के जैसे इकलौते लड़के हैं, इस बात को हमें प्रूफ करना है। ठीक, हम ये मान के चलेंगे आपके पिता के जो है दो बच्चे हैं। ठीक, और फिर आप कोशिश दिखाने की करेंगे कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि आप ही हैं। तो आप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी क्या आपका जो नाम है, आपका जो हाइट है, आपका जो स्किन कलर है, जो आपका मतलब सर सब चीजें सेम है। तो हम फिर बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे भाई अलग अलग नहीं बल्कि यही है। ठीक है, तो चीजें वही है, कहने का मतलब जिस तरीके से आपने छोटा सा एक एग्जाम्पल अक्सर स्टोरी करते थे भाई, जो उसका एक कोई राजा था और वो ये बोला था कि भाई ये हाथी जो है कभी मैं ये नहीं सुनना चाहता किसी के मुंह से कि ये मर चुकी है ना। तो अब उसमें एक बड़ा बुद्धिमान था तो बोला कि भाई हाथी तो मर गई है ना, अब गांव वाले परेशान कि भाई राजा को इसकी खबर दी जाए कि भाई हाथी मर गए। राजा बोले थे कि जो ही बोलेगा कि भाई हम हाथी मर गई तो हम उसको फिर सूली पे चढ़ा देंगे। अब लोग काफ़ी परेशान थे, एक बंदा बुद्धिमान था, वो बोला राजा जी से जाके भाई नहीं, हाथी न खाती है न पीती है न सोती है न उठती है न बैठती है। तो राजा ने कहा मर गई, इसका मतलब मर गई। तो कहता है कि मैं क्यों कहूँ भाई, मैं कह दूंगा हमें सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब इसका जो मतलब होता है वो आप निकाल लो। वही चीज़ें यहाँ पर भी है, यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम करते क्या, मान लेते हैं कि उस जो ग्रुप है उसके दो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर हम ये दिखा रहे हैं दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे भी हम मानेंगे लेट E1 E2 बी द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी, लेट E1 एंड E2 बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। ठीक, जब ग्रुप जी की आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या हुआ, वही डेफिनेशन लगाएंगे। देन E1 ऑपरेशन E2, अब यहां पर पहले हम E1 को मान लेते सिंस E1 इज आइडेंटिटी। ठीक है, E1 इज आइडेंटिटी ऑफ E2। जब E1 आइडेंटिटी होगा उस केस में क्या करेंगे, जब E1 ऑपरेशन E2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका E2 के इक्वल आएगा। ठीक, जब आपका E2 आइडेंटिटी होगा तो क्या होगा उस केस में, यानी E1 ऑपरेशन E2 करेंगे तो क्या आएगा, जब E2 आइडेंटिटी होगा E1 आएगा। यही तो होता था भाई, जैसे मैं ये कहूं कि भाई कोई एलिमेंट A है, ठीक है, तो ये उसका आइडेंटिटी E है तो क्या आता था, A आता था, है ना। तो यही चीज यहाँ पे जब E1 आइडेंटिटी होगा, E1 आइडेंटिटी होगा, E1 को हम किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट कराएंगे तो वही तो एलिमेंट आएगा। तो यही चीज मैंने लिखा E1 ऑपरेशन E2, कंफ्यूज मत होइए, पता चला E1 ऑपरेशन E2 है तो यहाँ पे E1 क्यों लिख दिए, और यहाँ पे E1 ऑपरेशन E2 है तो यहाँ E2 के लिए, रीजन ये है जब E1 आइडेंटिटी होगा तो E1 को जब आप E2 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो E2 मिलेगा,
जब आपका ई टू आइडेंटिटी होगा तो ई टू को किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट कराओगे तो वही एलिमेंट मिलेगा। जब आपने ई टू को ऑपरेट करा इस पे इवन पे तो इवन मिलेगा। अब इसको लेफ्ट दोनों साइड से ऑपरेट करा सकते हो, यानी ई टू ऑपरेशन इवन भी लिख सकते हो, यहाँ पे ई टू ऑपरेशन इवन भी लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो इवन ई टू है, ठीक है, वो क्या है, सेम है दोनों इक्वेशन आप देखे तो दोनों इक्वल तो है ना, दोनों चीजें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इंप्लाई दैट इवन इक्वल्स टू ई टू, फिर वही बात हो गई, यानी इवन ई टू कुछ अलग नहीं बल्कि सेम है, ठीक है। इट मीन्स आप लिखेंगे द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, सिंपल सा एक लाइन का प्रूफ है, ठीक है। हेंस आइडेंटिटी, समझ तो गए, हमसे नहीं समझे आप थोड़ा सा कमेंट्स करिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज यूनिक, ठीक, पहला पार्ट को। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी करना है भैया, जो ए एलिमेंट कर फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी हैज यूनिक इनवर्स, यानी जी सपोज करो जी पूरा पूरा सेट है, उसका एक एलिमेंट ए रहा होगा, हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, यूनिक, ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, मान लेंगे कोई दो किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के दो इनवर्स मिल रहे हैं, और फिर दिखाएंगे दोनों कुछ अलग अलग नहीं बल्कि सेम, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट किया जाए, लेट बी एंड, लाइक इस तरीके से ज्यादा लिखा अच्छा रहेगा, सपोज दैट इफ पॉसिबल, सपोज दैट ऐसा तो होता नहीं, इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो, इफ पॉसिबल बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए, ठीक, हमें मान ले रहे हैं कि जो ए के दो इनवर्स है, एक बी है और आपका क्या है, एक ए है, ठीक। तो जब मान लो बी होगा ए का इनवर्स, इट मीन्स जो है कि बी को आप ए के साथ ऑपरेट करा तो आइडेंटिटी देगा, जब सी जो है ए का इनवर्स होगा तो सी को जब ए के साथ ऑपरेट कराओगे तो भी आइडेंटिटी होगा। अब इसको आप इधर से भी डायरेक्ट लेफ्ट भी कर सकते हैं, ए ऑपरेशन बी, इसको आप ए ऑपरेशन सी भी ले सकते हैं, ठीक, ये बात आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी जो है ए का इनवर्स हमने मान लिया, सपोज दैट इफ पॉसिबल, जब बी ए का इनवर्स होगा तो बी ऑपरेशन ए करेंगे तो आइडेंटिटी देगा, ठीक है, जब सी ए का इनवर्स होगा तो सी ऑपरेशन ए करेंगे तो भी आइडेंटिटी देगा। अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमें यहाँ पहुंचना है, हमें दिखा दें कि बी और सी, बी इक्वल टू सी है, तो हमारा बात बन जाए, इट मीन सी, इसका मतलब क्या होगा, इस एलिमेंट की कोई दो इनवर्स नहीं बल्कि एक ही इनवर्स होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेंस, एंड यदि हम बी को ये लिख दें, बी ऑपरेशन ई लिखते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी ऑपरेशन ई आइडेंटिटी है ना, तो बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ई तो लिख ही सकते हैं। और अभी आपने देखा कि बी ऑपरेशन ई को यदि हम यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, यदि हम बी के प्लेस पे यहाँ पे हम इस तरीके से इसको एडजस्ट करें, ई आपका क्या है, ए ऑपरेशन सी है, बी आपका क्या है, ए ऑपरेशन सी है, ठीक, अच्छा बी ऑपरेशन ए ऐसा भी लिख ले हम लोग, एसोसिएटिव होता आपने देखा है ऑपरेशन, क्यों एसोसिएटिव, क्योंकि जो ग्रुप है ना एक्चुअली, अब ग्रुप होने का मतलब क्या है, बाइनरी भी रहा होगा, ए ऑपरेशन एसोसिएटिव भी रहा होगा, इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट की रही होगी, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप, तो ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा, ठीक है, चलिए, तो यानी बी ए एसोसिएटिव, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी कर दें। अभी आपने देखा कि बी ऑपरेशन ए किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी की इक्वल है, ठीक है, चाहे फर्स्ट नाम की कोई जरूरत नहीं है, बी ऑपरेशन इक्वल टू आइडेंटिटी है, ई ऑपरेशन सी, जब आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट पे ऑपरेट कराते तो ही एलिमेंट आता है, और यहां पे आप लेके चल रहे हो क्या, बी लेके चल रहे हो, यानी बी इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब क्या, जो बी हमने माना था, जो बी और सी अलग अलग इनवर्स हैं, एक ही अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, आप लिखोगे हेंस हेंस ग्रुप जी हैज यूनिक इनवर्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या ये लिखिए हेंस ए बिलोंग्स टू जी हैज
यूनिक इनवर्स, ठीक ये रहा इसका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। कह रहा है कि सेट जी इक्वल्स टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी इज अवेलेबल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम है, जो सेट जी है एक्चुअली क्या है, वन ओमेगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है, आपको मालूम होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी एक्स इक्वल टू क्या वन रेज टू पावर वन बाई थ्री, यही तो होता था। यहां से देखा जाए तो आपको मिल जाएगा यानी एक्स क्यूब इक्वल टू वन, दिस मीन्स एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको आप फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा। एक बार एक्स माइनस वन को जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा, फिर इसको जीरो करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको सीधा चार्ज ओपन करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू आएगा। ठीक इसको जब आप इसका एक्स की वैल्यू निकालेंगे सीधा चार से कहीं तो आएगा इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे जो यानी ओमेगा लेते थे हम लोग, इसकी वैल्यू क्या रहते माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर किसको बोलते थे भाई, ये प्लस माइनस है ना, दो वैल्यू मिलेगा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू, तो वही है ओमेगा, ये वही है। ठीक एक रूट वन हो गया, एक ओमेगा है आपका ओमेगा माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू है। ठीक है तो यही आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हमें दिखाना है क्या है, अवेलेबल ग्रुप होगा ये ग्रुप यानी जो सेट जी है विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं वन बाय वन कि अवेलेबल ग्रुप होगा तो कैसे होगा। ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए, फॉर बाइनरी ऑपरेशन इसको थोड़ा सा एक बार कंपोजिशन टेबल के थ्रू भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपोजिशन टेबल कितने एलिमेंट है, वन है ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ओमेगा। कंपोजिशन टेबल समझते होंगे आप लोग, नहीं भी थोड़ा आइडिया होगा तो आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं, यहाँ पे जो सेट है उसके एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है एक बार ब्रॉड फॉर्म में लिख दिए, फिर इसको हम काला फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए कैसे हम लोग इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो क्या मिलेगा, वन। वन का ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, हम यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है, जरूरी नहीं हर केस में आप मल्टीप्लाई करो, ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन ऐड करेंगे। ठीक है तो डिपेंड करता है क्या गिवन है प्रॉब्लम। चलो वन का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा को वन के साथ करोगे तो ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको मालूम है वन, मैं डायरेक्ट वन लिख रहा हूँ। ठीक है चलो ओमेगा स्क्वायर इंटू वन करोगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करोगे ओमेगा टू पावर फोर, ओमेगा टू पावर फोर को लिख सकते हो क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन ओमेगा, इट मींस दैट हम लिख रहे हैं ओमेगा। ये रहा आपका कंपोजिशन टेबल। ठीक तो अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाना है, क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है इस ऑपरेशन को। यहाँ पे देखा जाए तो दिस सेट जी होगा, दिस सेट जी इज क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन। ठीक है अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, इसका मतलब सिंपली ये है या उस तरीके से आप तीन एलिमेंट है, जरूरी नहीं आप करके भी यहां पे देख सकते। देखिए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है अब आप इन तीनों में से कोई भी लेते हो, वन इंटू ओमेगा करते हो ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो क्या ओमेगा क्यूब दैट इज वन आ जाएगा। ठीक है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करें, ओमेगा स्क्वायर इंटू वन करेंगे, करके देख ले यार वन इंटू ओमेगा करो क्या मिलेगा। हमने हालांकि कंपोजिशन टेबल इसीलिए बनाया ताकि ये सब आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख दीजिए
भाई सिंस द सेट जी इज क्लोज्ड अंडर द बाइंडिंग अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, तो इट मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन बिलोंग टू द गिवन सेट, सिंस इस चीज को भी लिख सकते हैं, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू सेट जी, मतलब कहने का ये है भाई जो सेट यदि आप इसको ना लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके एलिमेंट है, ठीक है, तो आप इन सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी दो, जो गिवन ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, उस ऑपरेशन को आप अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक जो है उसी उसी सेट का एक एलिमेंट मिल जाएगा। देखो जैसे 1 इनटू ओमेगा करो क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर करो ओमेगा क्यूब यानी 1 आ जाएगा, ठीक है भाई, अच्छा ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आप चाहे जो एलिमेंट का जिसके साथ मल्टीप्लाई करो हमेशा जो है आपको इसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, यही तो बाइंडिंग ऑपरेशन करता है, जो गिवन सेट है इसको दो एलिमेंट लीजिए, जो ऑपरेशन गिवन है उस ऑपरेशन को अप्लाई करिए, जो आता है वो भी उसी सेट का होना चाहिए, आप चाहे जो ले लो, इस कंपोजिशन टेबल के थ्रू आप दिखा सकते हैं, यानी यहाँ पे इस कंपोजिशन में जितने भी एलिमेंट आए हैं वो इस सेट में तो बिलोंग कर रहा है ना, इट मीन्स ये ऑपरेशन क्या होगा, बाइंडिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, बाइंडिंग होगा, बस आपका पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ठीक है, अब सेकेंड आते हैं, सेकेंड क्या होता है, ऑपरेशन को एसोसिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि जो सेट गिवन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है, फॉर एसोसिएटिव आपको मालूम है, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है, ठीक, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है इट मींस तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो सैटिस्फाई कर रहा है, ये भी आपका हो गया। अब तीसरी बात करते हैं इसकी जो आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब यहां पे देखा जाए कि इस सेट की जो आइडेंटिटी होगी क्या होगी, वन होगा मल्टीप्लीकेशन के सेट में, क्यों, क्योंकि वन एक ऐसा एलिमेंट है, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ आप जो है मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आएगा, यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है, तो आप यहां पे लिखेंगे हियर वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है, व्हाई, रीजन क्या होगा, सिंस मल्टीप्लीकेशन बाय वन दैट इज दैट गिव्स द सेम एलिमेंट, ठीक है, दैट गिव्स द यही लिख दो, वन एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही हमें एलिमेंट मिलता है, बस दैट्स ऑल। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं जो है इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इनवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको रिमूव करके ऊपर हम लिख रहे हैं। अभी इनवर्स वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई कई बार कभी कभी यहाँ पे जैसे वेरी शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, सेट दे दिया इसका पूछ रहा है इनवर्स वेरी शॉर्ट में, है ना, इसको पूरा पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको जो है सब पार्ट किसका यही पूछ रहे किसका इनवर्स क्या होगा बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको जो है कॉन्शियस रहना है, बीच से कहीं पूछ ले जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, उसको भी आपको करना है, अक्सर आदित्य टाइम में बीच से ही पूछता था भाई कोई सेट दिया इसका आइडेंटिटी क्या होगा, उस एलिमेंट का आर्डर क्या होगा, इसी तरीके से तो क्वेश्चन पूछते थे आदित्य टाइम में, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट जल्दी से करते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ पार्ट, द
डिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो तो हम सबसे पहले सभी एलिमेंट का लिखते हैं, इनवर्स ऑफ वन क्या होगा भाई, वन ही होगा। इनवर्स का मतलब क्या है, यानी उस एलिमेंट को उस दिए हुए सेट में, एलिमेंट को क्या करें, उसको ऑपरेट करें विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए भैया। वन का वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वन देगा, यानी इसका सेल्फ इनवर्स होगा, वन का वन होगा। ओमेगा का बताओ, ओमेगा का इनवर्स क्या होगा। अब इस सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें इस सेट का आइडेंटिटी मिले विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। तो ओमेगा यानी कौन सा होगा, ओमेगा स्क्वायर इकलौता एलिमेंट है जिसको हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, वन दे देगा, वन विच इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक, समझ में आया कैसे इनवर्स निकालते हैं। चलो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स बता दो, ओमेगा स्क्वायर की इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, बताइए भाई। ओमेगा है, सिंपल सी बात है, ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा करें तभी तो ओमेगा क्यों मिलेगा, जो कि वन एलिमेंट्स वन का इनवर्स वन, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को वन। चलिए इसका जो है इनवर्स भी मिल गया। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, ठीक है, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन जो होता है क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव। और एक चीज और, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी ये भी होती है जो कंपोजिशन टेबल उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। रीजन क्या, सिमेट्री होना चाहिए इस डायगोनल के अलांग जो एलिमेंट्स है क्या होना, सिमेट्री है, देखो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, वन वन है ना, यहां से भी कंपोजिशन टेबल के थ्रू भी आप उसको बता सकते हो कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, ये रहा पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं खुद, दूसरा आप नेक्स्ट क्लास में कल करिएगा, नहीं आएगा तुझे, वन माइनस वन आई माइनस आई सेम क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्यूब रूट था आपका, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये भी अभिनय ग्रुप होता है। इसका आप हमें प्रूफ पूरा कंप्लीट करके आप हमें बताएंगे, यदि आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। तो चाहे क्यूब रूट हो चाहे फोर्थ रूट हो, बल्कि आपका एंथ रूट ऑफ यूनिटी भी आपका अभिनय ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो बस आज के इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू।